Hello students, welcome in history class. In the last lecture we had learned about historiography Indian tradition chapter number 2. In the chapter we had learned about the colonial historiography. After that we had learned about the oriental historiography and then nationalistic historiography. Now today we are going to learn the next part of this chapter, that is do you know is here. Justice Mahadev Govind Ranade has explained the background of the rise of Maratha Empire in a great detail in his book The Rise of Maratha Power. To Justice Mahadev Ranade इन्होंने एक book लिखी थी The Rise of Maratha Power, जिसमें उन्होंने Maratha Empire के rise के बारे में, Maratha Empire के उदय के बारे में वहाँ पे detail में बताया है. According to him, it was not like a sudden erupted forest fire, but the ground for it in Maharashtra on the social, cultural and religious level was getting ready over the prolonged period. तो ये जो वहाँ पर rise हुआ मराठा empire का, वो अचानक से suddenly वहाँ पर नहीं हुआ था. तो ये जो rise हुआ वो step by step एक long period की process वहाँ पर बताई गई है, जो महाराष्ट्र की सोशल, कल्चर और रिलीजियस लेवल पे हुआ था. देन राजवाड़े इज वेल नोन फॉर हिज राइटिंग इन मराठी ऑन वेरियस वराइड सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री, लिंग्विस्टिक, एटिमोलॉजी, ग्रामर एक्सेट्रा. तो यहाँ पे वी के राजवाड़े, ये जो पर्सन है जिनकी तस्वीर, फोटो यहाँ पे बताया गया है, तो ये मराठी राइटिंग के लिए एक जाने माने ऐसे हिस्टोरियन है, राइटर हैं, जिन्होंने अपने सब्जेक्ट में हिस्ट्री, लिंग्विस्टिक, एटिमोलॉजी, ग्रामर इस तरह के सब्जेक्ट्स पे लिखा हुआ है. तो हिस्ट्री मतलब जो भी पास्ट इवेंट है जिसके बारे में उन्होंने लिखा, लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज के बारे में लिखा, एटिमोलॉजी मीन्स द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज जो होते हैं जिनके बारे में वहाँ पर उन्होंने लिखा, और ग्रामर के बारे में भी लिखा था. So he was of the first opinion that we should write our own history. तो वो कहते हैं कि हमें अपनी खुद की history वहाँ पर लिखनी चाहिए. He compiled and edited 22 volumes of Marathansa इतिहासाची साधने, मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने. तो उन्होंने 22 volumes लिखे, किसके? तो मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने, हिज बुक के. ही रोट वेरी स्कॉलरली प्रिफेस टू ईच ऑफ द 22 वॉल्यूम्स. तो उन्होंने ये 22 वॉल्यूम्स के सब जो प्रिफेस है वो बहुत ही स्कॉलरली यानी वाइजली वहाँ पे लिखे हुए हैं. ही स्टेटेड हिस्ट्री इज द ऑल इंक्लूसिव इमेज ऑफ द पास्ट सोसाइटीज. तो पास्ट की जो सोसाइटीज़ हैं उनके ऑल इंक्लूसिव इमेज के बारे में हिस्ट्री हमें बताती है. तो इट डज नॉट इंक्लूड ओनली द स्टोरीज ऑफ पॉलिटिकल इमेजेस, स्कॉनपायरीज एंड वॉर ऑफ सीजिंग पावर. तो हिस्ट्री मतलब सिर्फ ऐसी स्टोरी बताने वाले नहीं है कि जो पॉलिटिकल इमेज वाली है, कॉन्स्पायरीज वाली है और वॉर वाली है, और सीजिंग पावर के लिए जो हिस्ट्री होती है वैसी नहीं है. तो इसके अलावा वो कहते हैं कि ही इंसिस्टेड दैट हिस्ट्री शुड बी रिटर्न ओनली यूजिंग द ऑथेंटिक डॉक्यूमेंटरी सोर्सेज. तो वो कहते हैं कि हिस्ट्री कैसी होनी चाहिए, एक विश्वसनीय ऐसे डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस की होनी चाहिए. मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स है हिस्ट्री लिखने के लिए वो ऑथेंटिक वहाँ पे होने चाहिए, ट्रस्टफुल होने चाहिए, है ना. तो ऐसा वो बताते हैं. द नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी हेल्ड इन द ट्रिगर ऑफ इंडिपेंडेंस. तो ये जो नेशनलिस्टिक हिस्ट्री है वो एक ट्रिगर है, किसका? इंडिपेंडेंस का. मतलब इंडिपेंडेंस के जो भी सारे मूवमेंट्स है ना, तो उन्हें एक सडनली मूवमेंट देने वाली ये नेशनलिस्टिक हिस्ट्री का वर्क वहाँ पे. ऑफ द इंडियन पीपल अगेंस्ट द ब्रिटिश. तो हमें सबको पता है कि जो ब्रिटिश पीपल है उन्होंने इंडिया के ऊपर रूल किया था. तो इन ब्रिटिश पीपल के रूल के ऊपर से
मतलब इनके रूल को हटाने के लिए बहुत से सारे नेशनल मूवमेंट वहाँ पे हुए थे, जो हिस्ट्री की वजह से नेशनलिस्टिक हिस्ट्री ने एक बहुत बड़ा रोल उसके पीछे प्ले किया था। इन दिस एस्पेक्ट द बुक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, तो इसके पीछे एक बहुत ही अच्छी बुक वहाँ पे बताई जाती है, जिसकी वजह से मतलब लोगों के दिलों में अपने खुद की कंट्री के लिए प्राउड और खुद की कंट्री वहाँ पे इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, इस तरह की भावना उत्पन्न हुई। और वो बुक थी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, रिटन बाय विनायक दामोदर सावरकर, इज अ ग्रेट इम्पोर्टेंस। तो ये किसने लिखा था? विनायक दामोदर सावरकर, इन्होंने लिखा हुआ था। द नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी प्रोवाइडेड द मोमेंटम टू द राइटिंग ऑफ रिलीजन हिस्ट्रीज टू। तो ये जो नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी जो है वो रिलीजन हिस्टोरीज के लिए एक मोमेंटम देने वाली, एक चालना देने वाली राइटिंग भी वहाँ पे रही थी। एज अ रिजल्ट द अटेंशन ऑफ हिस्टोरियंस वॉज ड्रॉन टू द जोग्राफिक कंडीशंस एंड हिस्ट्री ऑफ द साउथ इंडियन रीजन्स। तो ये जो राइटिंग है उसने इंडियन रीजन्स, जो साउथ के इंडियन रीजन से वहाँ की हिस्ट्री और जोग्राफिकल कंडीशन को अच्छी तरह से बताया हुआ है, उसके ऊपर अच्छी तरह से अटेंशन दिया हुआ है। तो आगे ऊपर वाला ये जो पार्ट है बॉक्स वाला, ये थोड़ा सा जान लेते हैं। डू यू नो वी के राजवाड़े फाउंडेड भारत इतिहास समाज शोधक मंडल इन पुणे ऑन 7 जुलाई 1910 टू फैसिलिटेट हिस्टोरिकल रिसर्च। तो हिस्टोरिकल रिसर्च को फैसिलिटेट करने के लिए 7 जुलाई 1910 में पुणे में वी के राजवाड़े इन्होंने भारत इतिहास संशोधक मंडल को स्थापित किया, फाउंड किया। देन ह्यूमन हिस्ट्री इज डिफाइंड बाय टाइम एंड स्पेस। तो ह्यूमन हिस्ट्री जो है वो टाइम और स्पेस को डिफाइन करती है, टाइम और स्पेस से डिफाइन होती है, मतलब टाइम और जो प्लेस है उससे वो डिफाइन होती है। तो डिस्क्राइबिंग एनी इवेंट नेसेसिटेट्स दैट द फाइनल पोर्ट्रेट शुड बी स्प्रेड ऑन द कंप्लीट कैनवास ऑफ द गिवन टाइम एंड प्लेस। तो यहाँ पे ये बताया जाता है कि ये जो डिस्क्राइबिंग है वो किस तरह की होनी चाहिए, जो भी नेसेसिटेट ज़रूरी ऐसे जो इवेंट हैं वो टाइम टू टाइम और प्लेस के अकॉर्डिंगली वहाँ पे शो कर दिए जाने चाहिए, तभी एक अच्छी पिक्चर या एक अच्छा हिस्ट्री सबके सामने आएगा। ओनली इफ बैलेंस कॉम्बिनेशन ऑफ द थ्री फैक्टर्स। तो ये जो हिस्टोग्राफी है वो थ्री फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन के ऊपर बैलेंस होता है। वो कौन से हैं? टाइम, स्पेस और पर्सनैलिटीज इज प्रेजेंट, देन ओनली द इवेंट डज क्वालिफाई टू बी कॉल्ड सो। तो ये जो हिस्टोग्राफी है वो इन थ्री एस्पेक्ट्स के ऊपर, फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड है, जैसे कि टाइम, स्पेस और पर्सनैलिटीज। पर्सनैलिटीज मतलब दैट पर्सन हु इज़ द हीरो ऑफ दैट इवेंट और द टाइम। तो उस इवेंट का या टाइम का जो भी हीरो है वो पर्सनैलिटी या वो पर्सन उसे वहाँ पे कहा जाता है, ऐसा वी के राजवाड़े वहाँ पे कहते हैं। द नेक्स्ट पार्ट, हिस्टोग्राफी इन द पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा। तो पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा की हिस्टोग्राफी के बारे में हम यहाँ पे जानकारी लेते हैं। नाउ अलॉन्ग विथ राइटिंग द डायनेस्टिक हिस्ट्रीज द कल्चरल सोशल इकोनॉमिकल हिस्ट्रीज वेयर ऑल्सो बींग रिटर्न। तो बहुत नाउ अलॉन्ग विथ राइटिंग द डायनेस्टिक हिस्ट्री द कल्चरल सोशल इकोनॉमिकल हिस्ट्रीज वेयर ऑल्सो बींग रिटर्न। तो ये जो हिस्ट्री है वो डायनेस्टिक हिस्ट्रीज और कल्चरल सोशल और इकोनॉमिक हिस्ट्रीज इनके साथ ही वहाँ पे लिखी गई है। तो स्कॉलर्स ऑफ द पोस्ट इंडिपेंडेंट, तो पोस्ट इंडिपेंडेंट के जो भी स्कॉलर्स मतलब हिस्टोरियंस जो है, उन्होंने जो हिस्ट्री लिखी है जिसके बारे में हम अब यहाँ पे जानकारी लेने वाले हैं। तो द फर्स्ट थिंग इज देयर दैट इज एरा बिगैन टू फील
the need of writing histories of various communities. Then sciences, economic systems, political ideologies, cultural aspects, etc. तो ये जो एरा था जिसमें हिस्ट्री जो लिखी गई वो अलग अलग हिस्ट्री वहाँ पे लिखी गई, जैसे कि कम्युनिटीज़ के बारे में हिस्ट्री लिखी गई, साइंसेस के बारे में, इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के बारे में, कल्चरल एस्पेक्ट, ऐसे सारी चीज़ों के बारे में वहाँ पे हिस्ट्री लिखी गई थी. द हिस्टोरियोग्राफी ऑफ द एरा हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड मेनली बाय थ्री आइडियोलॉजिकल स्कूल्स. तो इस टाइम में, इस एरा में जो हिस्ट्री लिखी गई उसके ऊपर सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस, सबसे ज़्यादा प्रभाव हमें इस आइडियोलॉजिकल स्कूल के बारे में, थ्री आइडियोलॉजिकल स्कूल के बारे में वहाँ पे बताया जाता है. वो है फर्स्ट मार्क्सिस्ट हिस्ट्री, दूसरा सबअल्टर्न हिस्ट्री और नंबर थ्री फेमिनिस्ट हिस्ट्री. तो इन सबका एक एक करके नीचे हम जानकारी लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द मार्क्सिस्ट हिस्ट्री. द कॉन्सर्न ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन एंड द इंडस्ट्रियल रिलेशंस वेयर एट द सेंटर इन द राइटिंग ऑफ मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन. तो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन उन्होंने किस तरह की मीनिंग वहाँ पे बताई गई है. मार्क्सिस्ट हिस्ट्री ये है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में, मतलब जो भी प्रोडक्शन वहाँ पे होता है वो. मोड्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन किस तरह से होता है, प्रोडक्शन की सिस्टम क्या है. एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन, इन सब चीज़ों के बारे में ये मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस बताते हैं, मतलब ये सेंटर आइडिया उनकी वहाँ पे होती है. अकॉर्डिंग टू द एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ एवरी सोशल इवेंट ऑफ सिग्निफिकेंस हैज रिमेन द बेसिक थीम ऑफ मार्क्सिस्ट हिस्ट्री. तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू एनालाइज इम्पैक्ट, मतलब जिस तरह से एनालाइज किया गया है वो इस तरह से बताया जाता है कि ये जो मार्क्सिस्ट हिस्ट्री है उसका सिग्निफिकेंट यहाँ पे इन तीनों मीन्स के ऊपर वहाँ पे बताया जाता है. इन्हें कॉन्सर्न करके ये मार्क्सिस्ट हिस्ट्री लिखी गई है. नेक्स्ट पार्ट, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन इन इंडिया स्टडीड द ट्रांजिशन विद इन द कास्ट सिस्टम. तो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन जो है उन्होंने इंडिया के अंदर, मतलब इंडिया में भी मार्क्सिस्ट हिस्ट्री वहाँ पे लिखी गई, जो इंडियन हिस्टोरियंस है उन्होंने भी मार्क्सिस्ट हिस्ट्री वहाँ पे लिखी थी, और जिसके ऊपर सबसे पहले उन्होंने स्टडी किया ट्रांजिशन विद इन द कास्ट सिस्टम. तो इंडिया के अंदर जो कास्ट सिस्टम थी उसका जो ट्रांजिशन है जिसके बारे में उन्होंने स्टडी किया. अमंग द नोटेबल इंडियन हिस्टोरियंस हु एडॉप्टेड मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क. तो जो भी मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन है उनकी एक आइडियोलॉजी वहाँ पे रही, उनका एक फ्रेमवर्क वहाँ पे रहा मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी वाला. स्कॉलर्स लाइक दामोदर धर्मानंद कोसंबी. तो यहाँ पे जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन है, इंडियन हिस्टोरियन, उनके नाम वहाँ पे बताए गए हैं, वो है दामोदर धर्मानंद कोसंबी, उसके बाद कॉम्रेड श्रीपाद अमृत डांगे, राम शरण शर्मा, उसके बाद कॉम्रेड शरद पाटिल हैव दिस कॉन्ट्रीब्यूटेड नोटेबली. तो इन्होंने इस मार्क्सिस्ट हिस्ट्री में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन वहाँ पे दिया हुआ है. कॉम्रेड डांगे वॉज वन ऑफ द फाउंडर मेम्बर ऑफ द इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी. तो ये जो कॉम्रेड डांगे जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी के एक मेम्बर, फाउंडर मेम्बर भी वहाँ पे रहे थे. प्रिमिटिव कम्युनलिज्म टू स्लेवरी द बुक रिटन बाय हिम प्रेजेंटेड मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी. तो मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी में उन्होंने जो बुक लिखी है जिसका नाम वहाँ पे बताया जाता है प्रिमिटिव कम्युनलिज्म टू स्लेवरी. द नेक्स्ट पार्ट इज देयर दैट इज सबअल्टर्न हिस्ट्री. द सीड्स ऑफ सबअल्टर्न हिस्ट्री आर फाउंड इन द मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी. तो मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी में ही इस सबअल्टर्न हिस्टोग्राफी के सीड्स वहाँ पे, मतलब वही मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी से ही सबअल्टर्न हिस्ट्री वहाँ पे शुरू हो चुकी थी. द रोल ऑफ द इटालियन हिस्टोरियन एंटोनियो ग्राम्सी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डेवलपिंग द आइडिया दैट हिस्ट्री शुड बी रिटन स्टार्टिंग फ्रॉम द बॉटम मोस्ट रैंक ऑफ द पीपल इन द सोसाइटी. तो इस सबअल्टर्न हिस्ट्री में बताया जाता है कि एक इटालियन हिस्टोग्राफी जिनका नाम है एंटोनियो ग्राम्सी. तो ये जो एंटोनियो ग्राम्सी इटालियन हिस्टोरियंस हैं उन्होंने
वहाँ पे बताया था कि हिस्ट्री की राइटिंग कहाँ से शुरू करनी चाहिए, तो बॉटम मोस्ट रैंक पीपल जो है सोसाइटी के, मतलब सोसाइटी के सबसे नीचे वाले, सबसे कम स्टेटस वाले ऐसे जो पीपल हैं जिनसे ये हिस्ट्री स्टार्ट होनी चाहिए। इनफैक्ट सबअल्टर्न मीन्स द बॉटम मोस्ट रैंक, तो सबअल्टर्न का मीनिंग ही वहाँ पे बताया जाता है बॉटम मोस्ट रैंक, मतलब सबसे नीचे दर्जा वाली रैंक, ये मतलब होता है सबअल्टर्न हिस्ट्री का। तो फोकलोर्स हैज बीन कंसिडर एज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ राइटिंग सबअल्टर्न हिस्ट्री। तो सबअल्टर्न हिस्ट्री के राइटिंग का सबसे इम्पोर्टेंट ऐसा सोर्स अगर किसे बताया जाता है तो वो फोकलोर्स को, मतलब जो भी ओरल ऐसे कुछ पुराने सॉन्ग है ट्रेडिशन टू ट्रेडिशन जाने वाले, वो फोकलोर्स, ये इम्पोर्टेंट सोर्स इस सबअल्टर्न हिस्ट्री का माना जाता है, जिसमें रंजीत गुहा एंड इंडियन हिस्टोरियन प्लेड अ मेजर रोल इन एस्टेब्लिशिंग सबअल्टर्न हिस्ट्री एज एन इम्पोर्टेंट एकेडमिक स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी। तो ये जो सबअल्टर्न हिस्ट्री हिस्टोग्राफी है, जो स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी, एकेडमिक स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी में सबसे बड़ा रोल प्ले कर, जिसमें सबसे बड़ा रोल प्ले किया था रंजीत गुहा इन इंडिया, इस इंडियन हिस्टोरियंस ने। देन हाउएवर वी मे पॉइंट आउट दैट मच बिफोर द ऑनसेट ऑफ सबअल्टर्न आइडियोलॉजी सिमिलर थॉट्स वेयर एक्सप्रेस बाय महात्मा ज्योतिराव फुले एंड डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। तो इस सबअल्टर्न हिस्ट्री में, इस आइडियोलॉजी में सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, मतलब सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन दिया गया है वो महात्मा ज्योतिराव फुले और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इन्होंने दिया है। महात्मा फुले अनफोल्ड द हिस्ट्री ऑफ क्षुद्रातिक्षुद्र कम्युनिटीज इन हिज बुक गुलामगिरी। तो उन्होंने जो बुक लिखी थी गुलामगिरी, उन्होंने उसमें उन्होंने क्षुद्र अतिशुद्र इस तरह की कम्युनिटी के बारे में बताया है, मतलब उन्हें अनफोल्ड किया है जो जानकारी लोगों को इस क्षुद्र अतिशुद्र के बारे में नहीं थी, वो उन्होंने गुलामगिरी इस बुक में ज्योतिराव फुले उन्होंने दिया हुआ है। तो क्षुद्र अतिशुद्र मतलब क्षुद्र से भी, मतलब सबसे ज़्यादा डिप्राइव्ड पीपल जिसे हम कह सकते हैं, सबसे ज़्यादा क्षुद्र पीपल, क्षुद्र अतिशुद्र। ही ड्रीव अटेंशन टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन। तो उन्होंने जो भी वुमेन्स के अगेंस्ट में एक्सप्लॉयटेशन है, वुमेन का जो शोषण है, उसके ऊपर ध्यान केंद्रित किया सबका अपनी राइटिंग से। उसके बाद शुद्राज और अतिशुद्राज डन अंडर द नेम ऑफ रिलीजन। तो रिलीजन के नाम के ऊपर ये शुद्राज, अतिशुद्राज और वुमेन, इनका जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, जिसके ऊपर लोगों को मतलब जिसका नॉलेज लोगों को उन्होंने दिया। द टर्म शुद्रा एंड अतिशुद्रा इंडिकेट्स द बॉटम मोस्ट रैंक ऑफ द कास्ट सिस्टम। तो कास्ट सिस्टम में सबसे नीचे वाला दर्जा या बॉटम मोस्ट रैंक किसे कहा जाता है? शुद्रा अतिशुद्रा, इस टर्म को या इसे। द रोल ऑफ द पीपल बिलोंगिंग टू द दलित कास्ट इज वेरी सिग्निफिकेंट इन द शेपिंग ऑफ वेरियस कल्चर एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिया। तो इंडिया की जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स है और अलग अलग तरह का जो कल्चर है उन्हें शेप देने वाले ये जो मतलब दलित कास्ट ऐसी जो सिस्टम वहाँ पे चल रही थी वो वहाँ पे बताई गई हैं। हाउएवर देयर रोल वॉज नॉट डली एक्नॉलेज इन द कॉलोनियल एंड नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी। तो मतलब उनका जो रोल है, देयर रोल वॉज नॉट डली एक्नॉलेज इन द कॉलोनियल एंड नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी। कॉलोनियल और नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी में उनका रोल जो है वो बहुत ही डल यानी कम एक्नॉलेज से भरा हुआ वहाँ पे नहीं है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर फोकसिंग ऑन दिस फैक्ट, और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इन्होंने भी इस फैक्ट के ऊपर फोकस किया है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कॉन्स्टेंटली रोट अबाउट इट। टू ऑफ हिज बुक्स हु वेयर द क्षुद्रास एंड द अनटचेबल्स। तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की दो बुक्स वहाँ पे बताई जाती है, एक है हु वेयर क्षुद्रास और दूसरी है अनटचेबल्स, और जिसमें उन्होंने फोकस किया है
किस तरह से जो डिप्राइव्ड पीपल हैं उनकी वहाँ पे एक्सप्लॉटेशन होती है, या बॉटम मोस्ट रैंक में वो सोसाइटी में किस तरह से हैं। मे बी सिटीज एज एग्जांपल सिटेड एज एग्जांपल्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ सबल्टन टाइप्स, तो ये भी एक सबल्टन टाइप हिस्टोग्राफी की एग्जांपल वहाँ पे हम बता सकते हैं। फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी ओवर द सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ टाइम मेनली मेल स्कॉलर्स वेयर इन्वॉल्व इन द राइटिंग ऑफ इंडियन हिस्ट्री, तो इंडियन हिस्ट्री में जो भी स्कॉलर्स है उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा मेल डोमिनेटेड हिस्ट्री वहाँ पे लिखी है या उनके सिग्निफिकेंस के बारे में वहाँ पे बताया है। एज अ रिजल्ट द रोल एंड अचीवमेंट्स ऑफ वुमेन इन हिस्ट्री रिमेन निग्लेक्टेड, और इसकी वजह से क्या हुआ कि जो भी वुमेन है उनकी अचीवमेंट या उनकी जो तरक्की है जिसके बारे में हिस्ट्री में वहाँ पे कम ऐसा बताया गया है, मतलब उन्हें निग्लेक्ट किया गया। टू टू हाईलाइट दिस फैक्ट वॉज अ मेजर टास्क फेस्ड बाय द फेमिनिस्ट हिस्टोरियन, तो ये जो फेमिनिस्ट हिस्टोरियन है उन्होंने इन मतलब वुमेन जो है उनकी जो भी प्रोग्रेस है, उनका जो डेवलपमेंट है या उनकी जो अचीवमेंट्स है जिसके बारे में वहाँ पे हिस्ट्री में बताना स्टार्ट किया। ऑल्सो इट वॉज इम्पोर्टेंट टू स्टडी एंड कॉम्पील द हिस्टोरिकल राइटिंग ऑफ वुमेन, इट वॉज ऑल्सो नेसेसरी टू रीथिंक ऑफ वुमेन पोजिशन इन हिस्ट्री, तो इस हिस्टोग्राफी में फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी में वुमेन्स को इम्पोर्टेंट देते हुए, मतलब जो भी फीमेल थी इंडियन सोसाइटी में जो भी वुमेन थी उनका किस तरह से एक्सप्लॉयटेशन वहाँ पे हो रहा है, उन्हें किस तरह से बॉटम लाइन में वहाँ पे देखा जाता है और उनके जो भी अचीवमेंट है उन्हें जो निग्लेक्ट किया जाता है, इन सब चीज़ों को इन फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी ने आगे बढ़ावा दिया, मतलब जो वुमेन है उन्हें बढ़ावा देने के लिए ये फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी वहाँ पर कार्य कर रही थी। अमंग वुमेन ऑथर्स राइटिंग अबाउट वुमेन इन द 19th सेंचुरी सी ताराबाई शिंदे वॉज द फॉरमोस्ट वन, तो ताराबाई शिंदे ये जो है वो इस तरह की राइटिंग के लिए आगे रहे जिनकी राइटिंग 19th सेंचुरी सी में थी। शी रोट अटैकिंग द मेल डोमिनेटेड सोसाइटी सिस्टम एंड द कास्ट सिस्टम, तो ताराबाई शिंदे इन्होंने मेल डोमिनेटेड और जो कास्ट सिस्टम वाली सोसाइटी थी उसके ऊपर बहुत ही अटैकिंग ऐसी राइटिंग की है। और ही हर बुक स्त्री पुरुष तुलना पब्लिश इन 1882 इज एक्नॉलेज एज द फर्स्ट फेमिनिस्ट बुक इन इंडिया, तो सबसे पहली फेमिनिस्ट बुक इंडिया के अंदर पब्लिश हुई जो 1882 में हुई, ताराबाई शिंदे इन्होंने लिखी हुई और बुक का नाम था स्त्री पुरुष तुलना। In 1888, the book written by Pandita Ramabai was published, entitled The High Caste Hindu Woman. तो 1888 में फिर से एक बुक वहाँ पे वुमेन्स के ऊपर लिखी गई जो पंडिता रमाबाई उन्होंने पब्लिश की थी, जिस बुक का नाम था द हाई कास्ट हिंदू वुमेन। उसके बाद द फेमिनिस्ट लिटरेचर ऑफ द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द इश्यूज लाइक एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन, तो आगे चल करके ये फेमिनिस्ट लिटरेचर जो है जिसमें इम्पोर्टेंट बताया गया एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन, मतलब वुमेन को भी वहाँ पे जॉब करनी चाहिए, वुमेन भी अपने पैरों पे वहाँ पे खड़ी होनी चाहिए, ट्रीटमेंट मेटेड आउट टू देम एट देयर वर्क प्लेस, और जो वुमेन जिस जगह पे काम करती है उनके साथ किस तरह की ट्रीटमेंट वहाँ पे होनी चाहिए, देयर राइट टू पॉलिटिकल इक्वलिटी में उनका राइट कैसे होना चाहिए, ये सब चीज़ों के बारे में बताया गया। अमंग द रिसेंटली पब्लिश्ड फेमिनिस्ट लिटरेचर मीरा कौसाम्बी'स बुक क्रॉसिंग थ्रेशोल्ड, तो मीरा कौसाम्बी इन्होंने हाल ही में लिखी हुई एक बुक है क्रॉसिंग थ्रेशोल्ड, ये भी फेमिनिस्ट हिस्ट्री के ऊपर ही है। फेमिनिस्ट एसे इन सोशल हिस्ट्री इज ऑफ इम्पोर्टेंस, इट कंटेंस एसे ऑन द लाइफ स्टोरी ऑफ वुमेन लाइक पंडिता रमाबाई एंड डॉक्टर
रखमाबाई द फर्स्ट प्रैक्टिसिंग लेडी डॉक्टर ऑफ इंडिया। तो आगे चलकर और भी बुक लिखी गई जो पंडिता रमाबाई और डॉक्टर रखमाबाई इनके लाइफ के ऊपर लिखी गई, जिन्होंने डॉक्टर की मतलब वहाँ पे जॉब करके किस तरह से डॉक्टर की एक सक्सेसफुल ऐसी जॉब उन्होंने की है। देन अ लॉट ऑफ लिटरेचर इज अवेलेबल अनफोल्डिंग द व्यू ऑफ दलित, और दलित को अनफोल्ड करने वाले और वुमन को अनफोल्ड करने वाले महाराष्ट्र के अंदर बहुत सी सारी राइटिंग वहाँ पे हुई। डॉक्टर शर्मिला रेगेज वर्क इज नोटेबल इन दिस कॉन्सेप्ट। इसमें डॉक्टर शर्मिला इनका भी जो काम है वो भी बहुत ज़्यादा नोटवर्दी रहा था। उनकी बुक जो है राइटिंग कास्ट और राइटिंग जेंडर रीडिंग दलित वुमेन टेस्टिमोनीज, दलित वुमेन टेस्टिमोनीज इंक्लूड हर एसेज ऑन द ऑटोबायोग्राफीज ऑफ दलित वुमेन। तो दलित वुमेन की ऑटोबायोग्राफी और राइटिंग कास्ट राइटिंग जेंडर ये सब हम पढ़ सकते हैं इस दलित वुमेन टेस्टिमोनी में। आगे है दुनो वाला पार्ट, पब्लिकेशन ऑफ मराठी रियासत बाय गोविंद सखाराम सरदेसाई वॉज अ मोमेंटस अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ इंडियन हिस्टोग्राफी। इंडियन हिस्टोग्राफी में ये जो गोविंद सखाराम जो है सखाराम सरदेसाई देसाई उन्होंने एक अच्छी मतलब वहाँ पे अचीवमेंट की है जो मराठी रियासत नाम की एक बुक उन्होंने पब्लिश की थी। हिज वर्क बिकेम सो फेमस दैट पीपल बिगैन टू एड्रेस हिम एज रियासतकार पब्लिश सेवरल वॉल्यूम ऑफ मराठी हिस्ट्री। There have been a number of Indian historians who wrote without embracing the particular ideology. Among them, historians like Sir Jadunath Sarkar, Surendranath Sen, Riya Sarkar, G.S. Sardesai, and Trimbak Shankar शेजवालकर आर नोटवर्दी। तो ये सब जो हिस्टोरियंस है उन्होंने इंडियन हिस्ट्री के ऊपर वहाँ पे राइटिंग की है। इन द रिसेंट टाइम हिस्टोरियंस लाइक यशवंत दिनकर फाटके रामचंद्र गुहा एक्सेट्रा हैव कंट्रीब्यूटेड इंटेंसिवली टू हिस्टोग्राफी ऑफ द मॉडर्न इंडिया। तो अभी के टाइम में ये जो यशवंत दिनकर फाटके और रामचंद्र गुहा इन्होंने एक अच्छा कंट्रीब्यूशन इंडियन हिस्ट्री के लिए वहाँ पे दिया है। दस इट इज एविडेंट दैट द इंडियन हिस्टोग्राफी हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड ग्रेटली बाय द सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट। तो ये जो हिस्टोग्राफी है उन्होंने पॉलिटिकल और सोशल मूवमेंट्स के ऊपर वहाँ पे इन्फ्लुएंस दिया है। इट सीम्स दैट सम पार्ट ऑफ द इंडियन हिस्टोग्राफी वॉज ऑल्सो डेवलप्ड आउटसाइड द इन्फ्लुएंस ऑफ दीज मूवमेंट्स। तो जिसमें हम बता सकते हैं कि इंडियन हिस्टोग्राफी की डेवलपमेंट में ये सब चीज़ों ने बहुत ही अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन वहाँ पे दिया हुआ है। ओके, बाय दिस वे वी हैव कम्प्लीटेड दिस लेसन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दिस पार्ट। ओके, बाय।